मैं चंद गुजारिशात सैयदना पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुत्बे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि आज की महफिल योम सैयदना आशिक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर और पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के हवाले से है। हमारे और आपके पीर, पीरों के पीर, वो शख्सियत के मुरीद मुरीद तब बनता है कि जब किसी कामिल के हाथ पे हाथ रखता है, लेकिन पीर पीर तब बनता है कि जब उसकी गर्दन पर पीर दस्तगीर का कदम आता है। हम उनके मानने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं की खुल्लत, उन्हीं की दोस्ती की तबर्रुकात बरोज़े क़यामत हमें अता फरमाए कि जिस तरह मेरे रब ने अपनी अपने कलाम में एक ख़बर अता फरमाई है कि अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, कि हर वो दोस्ती कि जिसकी बुनियाद मासियत हो, हर वो यारी, हर वो ताल्लुक कि जिसकी बिना गुनाह हो, वो दोस्ती यारी वो खुल्लत बरोज़े क़यामत दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। इल्लल मुत्तकीन, मगर पीर दस्तगीर की यारी इस दुनिया में भी बाकी है, आखिरत में भी बाकी है। लोग कहते हैं ये यारी क्या होती है, मैंने कहा यारी वो होती है जो पीर दस्तगीर की यारी है, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि ये दोस्ती ये यारी कयामत वाले दिन भी बरकत देगी। इल्लल मुत्तकीन, पीर दस्तगीर की यारी काम देगी। हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी, आप मादरज़ाद वली हैं और ऐसे वली हैं, हज़रत शेखुल इस्लाम शारेह बुखारी इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जो उन्होंने ज़िक्र हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी में लिखी, ग़िबतुन नादिर फ़ी तर्जमत अब्दुल क़ादिर, उसमें आप लिखते हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म उन औलिया में से हैं, और ये मारूफ था कि जब आप पैदा हुए तो यकम रमज़ान था और आप दूध नहीं पीते थे, और उसी रात रमज़ान मुबारक का चांद गुम हुआ, तो बाई माना एक अलामत ये भी हुई कि आज पहली का रमज़ान है कि शरीफों के हाँ अरब में जो सादात हैं, औलाद अली हैं, औलाद फातिमा हैं, उनको शरीफ कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ सैयद कहते हैं, अरबी में सैयद बिलखसूस औलाद फातिमा औलाद सैयदना अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को नहीं कहते, बिलखसूस शरीफ का जो लफ्ज़ है ये सादात के लिए होता है। सैयदना मिजाज़ साहब फरमाते हैं कि पता चला कि शरीफों के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो दूध नहीं पीता, सुबह सहरी के वक्त दूध पीता है और फिर इफ्तारी के वक्त दूध पीता है। ये एक खास सबक है कि अहलुल्लाह जो होते हैं वो मेरे मालिक के हुक्म के ऐसे पाबंद होते हैं और उनकी घुट्टी में हुक्म खुदावंदी की ऐसी पाबंदी होती है कि बचपन से ही वो रब तबारक व तआला की याद का सामान पैदा कर